अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े का परफेक्ट चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी लाई, वो भी ब्लेंडर में। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे 1 कप चीनी, 1/4 कप ऑफ कोको पाउडर, 1/2 कप ऑफ ऑयल, यहाँ पे घी भी यूज़ कर सकते हैं, 2 अंडे चाहिए, 3 से 4 हमें ड्रॉप्स चाहिए वनीला सेंस के। इसे मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे 2 से 3 मिनट्स के लिए। सारे मिक्सचर को हम एक बाउल में ऐड करेंगे। 1/3 कप ऑफ मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे बहुत ही आराम से। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट, 1/4 कप ऑफ मिल्क मिक्स करेंगे। लास्ट में हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून विनीगर, सिरका ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमने एक पैन लिया, उसे ऑयल से ग्रीस किया। आप यहाँ पे बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बैटर को अच्छे तरीके से सेट करेंगे डाल के। यहाँ पे हम इसे बेक करेंगे तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा केक अच्छे तरीके से पका है। अगर हमारी स्टिक के साथ हमारा बैटर ना लगे तो हमारा केक बिल्कुल रेडी है 40 to 45 मिनट्स के बाद। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे जी। तो इसी तरह ये हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज तैयार है जी। तो अब हम मैं आपको ये बताऊंगी कि केक को सेंटर में से किस तरह कट करेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। यहाँ पर हम एक थ्रेड लेंगे, यहाँ पर हमें मोटे वाला धागा चाहिए। इसे यूँ सेंटर में सेट करेंगे, केक के साइड्स को सेट करेंगे, मिड में लेके आएंगे और यहाँ से हम प्रेस करेंगे। जब हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो हमारा केक इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जी। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से 2 हिस्सों में ये कट गया जी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।